Hi friends, good evening. कैसे हो आप? Hope you're doing great, my friend. वैसे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस साइड आपको मिल रही होगी होगी अपकमिंग लाइव शोज की, लेकिन जो मेरे पास गैजेट्स में है वो आपको मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ. ये है फेब्रवरी 8 के, माई फ्रेंड, नागपुर में. गुड, ये भी एक JSD नागपुर में शो हो रहा है, माई फ्रेंड. दिस ऑल्सो गुड स्पेशल शो है. एंड ऑल्सो ये है 8 फरवरी को, आई थिंक तब सैटरडे आता है. तो दूसरा है करनाल हरियाणा कैनल क्लब, फेब्रवरी जो 9 को हो रहा है, संडे को. ये भी चैम्पियनशिप है. ये दो बड़े शो आ रहे हैं. सॉरी, थर्ड एक और है इलाहाबाद में. इलाहाबाद में भी चैम्पियनशिप है, लेकिन इसमें लेब्राडोर रिट्रीवर, रॉटवाइलर स्पेशल और बहुत सारे और स्पेशल्स हैं. दिस इज वेरी गुड माय फ्रेंड. इलाहाबाद 9 को है, करनाल हरियाणा भी 9 को है, जो कि दो संडे आ रहे हैं, और एक नागपुर में आ रहा है. क्या हो गया? वो तो मैं ओके. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट. आपका ये वीकेंड काफी अच्छा गया होगा. क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रियली गुड वीक, और आज का दिन भी काफी अच्छा चल रहा है. इंडिया डूइंग गुड इन अंडर-19 वर्ल्ड कप. होप ये छोटा सा टारगेट वो चेज कर लेंगे जो हम इतना एक्सपेक्टेशन तो उनसे कर ही सकते हैं. और इस साइड आपको अपकमिंग डॉग शोज की इंफॉर्मेशन मिल ऊपर है, माय फ्रेंड. आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा, लेकिन जल्दी से आपको बता दूं, नागपुर में है फेब्रवरी 8 को, जो कि सैटरडे है. ये भी बहुत बढ़िया डॉग शोज हो रहा है, प्लीज विजिट देयर. आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी गई ऊपर. 9 फेब्रवरी को करनाल हरियाणा, चौथी और पांचवा इनका डॉग शो. ये भी चैंपियनशिप है, माई फ्रेंड, प्लीज विजिट देयर. एंड 9 फेब्रवरी को ऑल्सो इलाहाबाद में 14वां और 15वां, 13th एंड 14th डॉग चैंपियनशिप. ये काफी बड़ा शो है, जिसमें लेब्राडोर रिट्रीवर स्पेशल एंड ऑल्सो रॉटवाइलर के लिए स्पेशल है. प्लीज माई फ्रेंड, अगर आप डॉग लवर हो तो इलाहाबाद, करनाल एंड नागपुर में जरूर 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 डॉग शो में विजिट कीजिए. एक ऑर्गेनाइजर की ये बहुत बड़ा एक टास्क कह लो होता है, और अगर अच्छी गैदरिंग होती है तो एक काफी रिलीफ भरा पॉइंट होता है. और पंजाब में जो सुपर हिट शो हो रहा है अमेरिकन बुली स्पेशल, माई फ्रेंड, पंजाब पैलेस बठिंडा रोड आपको देखने को मिलेगा. ये अमेरिका से जज आए हुए हैं, और बहुत सारे आपको, वैसे तो जलंधर में जो डॉग शो हुआ पिछले सैटरडे वो भी रियली क्रूल, वेरी बहुत बढ़िया है. आपको कल वो डॉग शो हमारे शो लाइव शो में यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा. बहुत बढ़िया बढ़िया बुलीस हैं, लेकिन इस जैसा ही एक और बहुत बड़ा डॉग शो हो रहा है अपकमिंग संडे. तो प्लीज माय फ्रेंड विजिट देयर. उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है. लोकेशन प्रॉपर आपको 1 to 2 डे बिफोर शेयर कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल जो आपके लिए अगर एंट्री करवानी है तो वो नंबर यहाँ पर अवेलेबल है. बाकी आज की जो स्टोरी है, माय फ्रेंड, ये काफ़ी अच्छी है. स्पोर्ट्स लवर या कुछ भी हो, जैसे पंजाबी में या हमारे कहाँ जाता है कि हम अगर कोई मेहनत का जो मेहनत भरे काम है उसमें से आपकी जो खून पसीने की कमाई होती है उसमें से आप थोड़ा सा 10वां हिस्सा आप रखते हो. तो एक टीम ने बहुत एक अच्छी एग्जांपल अपने तरह पेश की. उन्होंने कुछ अपना विनिंग अमाउंट में से पेट्स के लिए कुछ अमाउंट निकाला. दैट्स बहुत बढ़िया ये आदत है. और हम भी अगर अपना 10 मंद जहाँ भी आप चाहो दो, लेकिन अगर आप पेट को दो या किसी भी एंगल से आप खुद वो चीज़ें कुछ बाई कर उनको दो, उनका कोई ऑर्गेनाइज है आपके एनजीओ नियर बाय, उनकी सपोर्ट करो, तो वो और भी बेटर है, माय फ्रेंड. तो प्लीज. और आज का टॉपिक टिक्स के रिलेटेड. आप पूछ रहे हो क्यों इतना जल्दी टिक्स के? यस माय फ्रेंड, टिक्स का सीजन स्टार्ट हो चुका है. और ये टिक्स होता है, ये पूरा एक चेन होती है. पहले लगभग एक डेंड्रफ सा स्किन के ऊपर जाएगा अगर हम उस चीज को इग्नोर करते हैं, उसके नीचे फिर इनके एग्स वगैरह चल जाते हैं, फिर हम उस चीज को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं देती. लेकिन डॉग अपने आप को खुजाना शुरू कर देता है. हम कहते हैं ये तो टिक्स का मौसम ही नहीं है, तो हमें क्या टेंशन वाली बात? क्यों एंटी टिक्स पाउडर, क्यों एंटी टिक्स कॉलर, या क्यों एंटी टिक्स स्प्रे,
या क्यों एंटी टिक्स शैम्पू वगैरह यूज करना है, इसकी जरूरत ही नहीं है, या फिर वो जो रीढ़ की हड्डी पर डालने वाली दवाई होती है स्पॉट ऑन क्यों यूज करनी है, अभी तो वो खाली खुजा रहा है ही नहीं। फिर नीचे नीचे धीरे धीरे फ्लाइज लीस वगैरह बनते हैं, फिर वो ही आगे जाकर खून पीने वाले डॉग के टिक्स बन जाते हैं। तो अगर हम ये चेन स्टार्ट ही ना होने दें तो हमारा डॉग अगले 3-4 महीने हमारे लिए बहुत रिलैक्स और रिलीफ भरे होंगे। टिक्स के लिए अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं माय फ्रेंड, प्रोटेक्ट कॉलर है, लेकिन कॉलर गीला नहीं करना है आपको डॉग को, जब भी बात करना है वो कॉलर रिमूव कर दीजिए, डॉग को बारिश में मत जाने दीजिए, क्योंकि जब वो कॉलर गीला हो जाता है फिर वो बेटर रिजल्ट नहीं दे पाता। रीढ़ की हड्डी पर डालने वाली दवाई जिसको हम स्पॉट ऑन बोला जाता है, बॉडी वेट के हिसाब से ट्राई करोगे तो उसका रिजल्ट रियली रियली कूल माय फ्रेंड। एंटीटिक स्प्रे भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आंख नाक कान फेस से बचाकर बॉडी में यूज करनी होती है। डॉग को थोड़ा गीला करना होता है, फिर उसके बाद ब्रशिंग करके सारी बॉडी में स्प्रेड करना पड़ता है, थोड़ा सा काम है, लेकिन अगर आप वो कंफर्टेबल हो तो वो यूज कीजिए। एंटीटिक्स शैम्पू भी यूज कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है कि डॉग कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह डॉग की बॉडी को झाग होने के बावजूद भी रब करते रहना है, मलते रहना है, और फिंगर टिप के साथ मलोगे, रब करोगे मलोगे, तो तभी वो स्किन की स्किन तक पहुंचेगी चीज़ें, तभी वो टिक्स अपना एंटीटिक शैम्पू प्रॉपर काम कर पाएगा। और एक और चीज़ है मेरे पास, ये दिस इज ऑल्सो गुड थिंग, ये टैबलेट है और ये बॉडी वेट के हिसाब से डॉग को दी जाती है। ये भी टैबलेट देने से डॉग के जो कह लो कि ब्लड को ही वो थोड़ा सा सिंपल भाषा में बात करूं तो कड़वा सा कर देती है, और कंपनी का दावा है ये कि ये डॉग की बॉडी से टिक्स उसको अगर ब्लड सक करने की कोशिश करेंगे तो वो कर ही नहीं पाएंगे और बॉडी से भाग जाएंगे। तो ये चीज़ भी बहुत बड़े, क्योंकि हमारे पास समय की कमी होती है माय फ्रेंड, उतना समय नहीं होता जितना आज से 5 साल या 10 साल पहले था, लेकिन हमें पेट भी रखना है, उसको टेक केयर भी अच्छी तरह करना है। तो वैसे हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आपको टिक्स के रिलेटेड कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम इन दिस शो माय फ्रेंड। हाँ जी, स्टार्ट द शो प्लीज। जर्मन शेफर्ड सर, मेरी फीमेल शेफर्ड हीट पे आई हुई, 4 दिन हो गए हो चुके हैं, मीटिंग कब करवानी चाहिए? मीटिंग तब करवानी है जब डॉग का ब्लड आना बंद हो जाए या कलर डार्क हो जाए। वो 8वें दिन भी हो सकता है, 10वें दिन भी हो सकता है, 12वें दिन भी हो सकता है, कभी कभी 15वें दिन भी होता है। अगर आप इस तरह नहीं समझ पा रहे कुछ चीजें, मान लीजिए आपको कहे कि नहीं यार मुझे तो एक एक्यूरेटली टाइम डे चाहिए, तो आपके नियर बाई कोई अच्छा वेटनेरियन पेटनेरियन हॉस्पिटल है, वहाँ आप जा सकते हो, डॉग की स्लाइड बना सकते हो, स्लाइड से ही आपको प्रॉपर डे और टाइम मालूम पड़ सकता है। नीरति मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू यूज कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन न्यूट्रीकूल। वी डू हैव मल्टी विटामिन कैल्शियम आप खाने के साथ भी दे सकते हो, खाने के बाद भी दे सकते हो, लेकिन हमेशा डॉग के बॉडी वेट के हिसाब से डोज दोगे तो वो उसका रिजल्ट बेटर मिलेगा। मल्टी विटामिन कैल्शियम हमेशा दिन में 2 बार दिया जाता है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। ये क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आया था कि वो सुबह डॉग को मल्टी विटामिन देते हैं शाम को कैल्शियम देते हैं, तो वो टर्म नहीं ठीक बैठ पा रही थी, उनको उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं उस चीज़ का मिला। तो मच बेटर कि दोनों चीज़ें आप सही तरीके से यूज़ करो। बात रही ओमेगा 3 ओमेगा 6 या न्यूट्रीकोड जो आपने कहा, ये चीज़ तब यूज़ की ज़्यादातर जाती है जब डॉग का हेयर फॉल स्टार्ट हो, आजकल वैसे हो भी रहा है कुछ डॉगों का, उसकी डोज भी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। वो आप सीधा अगर डॉग के मुंह में दोगे तो वो ज़्यादा बेटर है, सीधा उसके मुंह में ML के साथ डाल सकते हो, पंप में भी वो दवाई होता है पंप के साथ भी आप डाल सकते हो, लेकिन मल्टी विटामिन कैल्शियम ये चीज़ें खाने में मिक्स की भी कर कर दी जा सकती हैं, खाने के बाद भी दी जा सकती हैं और खाने से पहले भी दी जा सकती हैं। दीपांक, अमेरिकन बुली फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए कैसा है सर? ऑसम, बहुत बढ़िया। लेकिन अमेरिकन बुली एक फ्लैट में भी रह लेता है बड़े आराम से, बट सुबह शाम एक अच्छी लंबी वॉक देनी पड़ती है, क्योंकि ये ब्रीड ऐसी है जो 20-30 किलो तक बॉडी वेट चला जाता है, कुछ का इससे अधिक भी साइज वाइज, XL XXL पॉकेट माइक्रो ऐसे कुछ राय लीगों का कम। लेकिन हाँ, अगर आप छोटे घर में रख रहे हो तो सुबह शाम अच्छी लंबी वॉक के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा है, आपका भी एक अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा, जॉगिंग टाइप कर सकते हो आप। बट अगर छोटे घर में रखोगे तो थोड़ा सा आपको टफ वर्क करना पड़ेगा, बड़े घर में ये बड़े आराम से रह लेते हैं। राज संधू सर, मेरे पास जर्मन शेफर्ड और मैंने आप रॉट लेना है, मैंने अपने जर्मन शेफर्ड को कैसे सोशलाइज करवाऊँ, वो हर किसी डॉग पर अटैक कर देता है। सर देखो,
जर्मन शेफर्ड वैसे इतने होते तो नहीं है स्टूपिड से कि ऐसे ही बिना रीजन किसी के ऊपर भी अटैक कर दें। हाँ कभी कभी आपके घर में अगर पेट आएगा ना, चाहे आपके घर में पग हो जो आप कहो लेस बार्किंग डॉग है, लेब्रा कहो लेस बार्किंग डॉग है, उसके अलावा अगर आप और कोई ब्रीड लाओगे, अगर आप और कोई ब्रीड लाओगे तो वहां आपको ये जरूर लगेगा कि हाँ यार मेरा डॉग जेलस कर रहा है। वो करेगा, वो थोड़ा भौंकेगा भी उसके ऊपर, गुस्सा भी करेगा, थोड़ा एक दो दिन खाना भी शायद कम खाए आपके आपके हाथ से आपके साथ आपके घर में। हाथ से तो हैंड फीडिंग नहीं कभी करनी चाहिए, लेकिन मैं यही कहूँगा पहले दोनों को अलग अलग रखो। छोटा पपी लेकर आए हो तो बच्चे को छोटा केज में रखो या अलग रूम में रखो, फिर 2 4 5 दिन के बाद वो फ्रेंडली हो जाते हैं। कुछ के इससे अधिक समय लगता है और कुछ के इससे भी कम। बाकी रही बात, इनको जब भी आप सोशलाइज करना है तो प्रेजेंट आपका वहाँ होना जरूरी है, जब पहली 1 2 3 बार, क्योंकि आपकी वहाँ पर प्रेजेंट में आपका जो बड़ा डॉग है वो कभी भी नहीं ऐसी कोई हरकत करेगा जैसे छोटे को कोई दिक्कत आए। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, बट थोड़े से स्टेप लीजिए वो थोड़े विद केयर के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मिलेगा। निकेत सर, सर जी मेरी पग फीमेल सितंबर के फर्स्ट वीक में हीट पे आई थी, अब सेकंड हीट पे कब आएगी, उसको कितने दिन में मेट करें? सिक टाइम देखो सर, डॉग का जो एक कह लो फीड सर्कल होता है ना, वो 4 से लेकर 6 महीने के बीच तो होना ही चाहिए, कुछ का तो 3 से लेकर 5 महीने के बिटवीन भी होता है। बहुत जरूरी है कि डॉग आपका डॉग कैसे एक होता है, हमसे कहीं चूक तो नहीं हो रही, कहीं हम डॉग को टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करने तो नहीं भूल गए, क्या हम डॉग को प्रॉपर डॉग फीड या फिर उबला हुआ अंडा मल्टी विटामिन, ऐसी कोई कमी तो नहीं है डॉग की बॉडी में प्रोटीन की वगैरह? क्योंकि अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी ना तो वहां जाकर फिर डॉग का प्रॉब्लम, ये शीटिंग का सर्कल जो होता है भी थोड़ा बढ़ता रहता है। हमें डॉग को घर के खाने के साथ साथ डॉग फीड भी देनी है, मल्टी विटामिन भी देना है, कैल्शियम भी देना है और प्रोटीन भी देना है। हाँ जी बबला यूपी वाला सर, शित्जू 11 मंथ ओल्ड, हाउ टू ग्रो हिज हेयर एंड प्लीज मेक अ गुड वीडियो अबाउट शित्जू। ठीक है, वेरी सून आपको मिल जाएगी अबाउट शिजू वीडियो, वैसे हमारी है भी एक और मिल जाएगी सर आपको। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई फ्रेंड यही है कि देखो शिजू के बाल वैसे ही नॉर्मली ग्रोथ कर जाते हैं, इसके अलावा उसके अगर बार उतने ग्रोथ नहीं होते तो उसके एक दो बिग रीजन यही होते हैं कि डॉग की कहीं हम खाने में नमक मिर्च मसाला मीठा या दूध आदि तो नहीं दे रहे, कहीं हम डॉग को ऐसी कोई चीज तो नहीं दे रहे हैं जिससे उसके स्किन की कोई प्रॉब्लम हो। और दूसरी बात, डॉग को शिजू खासकर ब्रीड ऐसी है जो दिन में 1 या 2 बार तो उसकी पूरी ग्रूमिंग अच्छी तरह कंघी वगैरह ब्रश वगैरह करना पड़ता है, इनके बाल टेंगल फ्री रखना बेहद जरूरी है। लेकिन और बैठे सिल्की और बढ़िया बाल के लिए आप किसी भी कंपनी का ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा फैटी एसिड यूज कर सकते हो, सलिमन ऑयल भी यूज कर सकते हो। तनिष्क कुमार, इज पिटबुल गॉट बैंड? ऐसा प्रॉपरली तो मैंने नहीं कभी कोई कैसे कोई नोटिफिकेशन आया हो गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं और की, ऐसा नहीं प्रॉपर आया, लेकिन हाँ बहुत सारी रूमर्स ऐसे फैले हुए हैं कि ऐसा है, बट है कुछ सच भी है। लेकिन अगर कोई बाया लॉ कोई मेरे मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, लेकिन पिटबुल का बिहेवियर नेचर वाइज जरूर अलग है बैठो भाई। और बाकी हाँ बुलीज अलग होते हैं, आप प्लीज़ कभी भी इन दोनों में कन्फ्यूजन मत हो जाना माई फ्रेंड। राहुल, हेलो सर, मेरे पास पग पप्पी है 4 मंथ, उसको सर्दी रनिंग नोज हो गया है, प्लीज एनी सजेशन सिरप या टैब सर प्लीज। सर सिंपल आप एंटीबायोटिक ट्राई कर देख लो, चाहे वो इंसानों का ही हो मैक्सलिन बच्चों का वगैरह होता है, लेकिन अगर आप हम मेडिसिन की तरफ ना ही जाए, सिंपल उसको ठंडी वगैरह लगी है, जैसे हम ब्रीदर के बहुत सारे अलग अलग नुकते होते हैं, डॉग को थोड़ी कोई गर्म तसीर का खाना दे देना, थोड़ा सा बॉयल एग उबला हुआ दे देना, ऐसी जो चीज़ें, या उसको किस चीज़ से वो रनिंग नोज या ठंडी हो रही है उस चीज़ को थोड़ा सा चीज़ को देखना क्या चीज़ है और वो चीज़ उसको खाने में नहीं देना। बाकी एंड ऑफ द डे फिर एंटीबायोटिक या फिर आपको नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर वेटनरियन के पास चेक करवाना पड़ेगा। हाँ अर्चित जी नेक्स्ट पटेल सर, क्वेश्चन। 50 डेज फीमेल रॉटवाइलर का वेट कितना होना चाहिए? हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्चित पटेल सर, 50 डेज फीमेल रॉटवाइलर का वेट कितना होना चाहिए? 50 डेज, फाइव फीमेल, जीरो
हाँ 50 डेज में सर कम से कम वो राउंड अगर उसका बॉडी वेट 4-5 किलो है तो बहुत बढ़िया है, या मैक्सिमम 6 होगा तो और भी बहुत बढ़िया। हर्ष सर 50 डेज हो गए मीटिंग को बट शो नहीं हो रहा कुछ। सर आप कल ही एक्सरा करवा सकते हो, स्कैनिंग करवा सकते हो, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत लास्ट में शो होने लगती हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि जो भी होगा आपको अभी 45 डेज के बाद एक्सरे में सब कुछ क्लियर हो जाता है। अर्पित पटेल, अगर डीवॉर्मिंग अनसक्सेसफुल रहे तो नेक्स्ट डीवॉर्मिंग कितने डेज बाद कम कर से कम सकते एक हैं? हफ्ता या 10 दिन के बाद आप दोबारा डिवॉर्म कर सकते हो। एज 50 डेज पक्की। हाँ 10 दिन का तो गैप, चाहे वो अडल्ट डॉग ही क्यों ना हो, बैक टू बैक नहीं आप कर सकते, हफ्ता और 10 दिन का गैप आपको रखना ही होता है। जॉय चौहान, माई 5 मंथ ओल्ड पप्पी पीस राइट आफ्टर ईटिंग इन सेकेंड्स और समटाइम्स ही पीस राइट ड्यूरिंग ईटिंग फूड, सो व्हाट शुड बी द प्रॉब्लम एंड बिग हाउ थिंग यहाँ शुड आई पर ये सॉल्व? हो रही है जो मुझे, अगर हम बहुत सारे, क्योंकि कल भी मेरे पास एक फ्रेंड आए थे और वो कह रहे थे कि 60 दिन का डॉग है उनका, आई थिंक लेब्राडोर की बात कर रहे थे, और लेब्राडोर को अभी 60 दिन तक वो सेरेलेक और पानी के साथ लिक्विड सेरेलेक दे रहे थे। 60 दिन के लिए डॉग के लिए सेरेलेक तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, हो जाता है 30 दिन तक देना है, 35 दिन तक या 30 दिन तक ही, उसके बाद आप स्टार्टर फीड चालू करो, बड़ी ब्रीड है तो 25 दिन पर चालू कर सकते हो। लेकिन जब इस स्टेज में अगर हम ज़्यादा लिक्विड वाला डॉग को खाना देते हैं, अगर स्टार्टर फीड देते हैं उसमें भी कभी कभी बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है, तो डॉग ऑब्वियसली बॉडी में ज़्यादा लिक्विड जाएगा तो वो सुसु या पी ज़्यादा पास आउट करेगा। तो आपका डाइट का जो है, जैसे आपके डॉग की 60 दिन का डॉग का बॉडी वेट, अगर अब वो कौन सी ब्रीड है उन्होंने कहा, कुछ ब्रीड बताई, मान लीजिए 60 दिन का लेब्रा है तो उसका बॉडी वेट अगर मेल है तो कम से कम मेरे हिसाब से तो 6-7 किलो, 5 किलो होना चाहिए। तो 5-6-7 किलो का 60 दिन का डॉग 2 महीने का, उसके दांत भरपूर होते, पूरे होते हैं जितने उसको उस एज में चाहिए, वो स्टार्टर फीड बड़े आराम से दिन में 4 टाइम खा सकता है, चबा कर या पानी के साथ खा सकता है। बट वो लिक्विड जो साथ में दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम कीजिए, ज़्यादा डॉग को हार्ड फॉर्म देना स्टार्ट कीजिए, हार्ड आई मीन टू से क्वांटिटी पानी की कम कर दो, हो सकता है थोड़ी थोड़ी फीड बढ़ाओ। तनिष कुमार सर, डीबॉर में कितनी एज से शुरू करनी चाहिए? मेरे पास फ्रेंच बुलडॉग है। 30 डेज से, चाहे वो कोई भी ब्रीड हो, 30, 35, 40 डेज में पहले डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। जो लार्ज ब्रीडें होते हैं ऐसे अमेरिकन बुली, वो तो हम लगभग उसको 25 दिन में कभी कभी करनी पड़ जाती है। डॉग लवर, डॉग के हेयर में कोई ऑयल यूज कर सकते हैं हेयर शाइनिंग के लिए? सर्दियों में हम लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, हम खुद ब्रीडर, अपने मैं अपने फार्म में भी ऐसा यूज़ करता हूँ। कभी कभी कुछ मेरे ब्रीडर भाई हैं वो जो खाने में भी एक चम्मच दे देते हैं हफ्ते या हफ्ते में एक आधी बार, अगर डॉग्स को सूट कर रहा है या डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से ठीक है तो। बट हाँ हम क्या करते हैं, हमारा प्रोसेस होता है कि हम डॉग को अच्छी तरह मसाज करते हैं, वैसे दिन खिला निकला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ नॉर्थ इंडिया में दिक्कत यही है कि फॉग बहुत रहती है और सूर्य देवता जी सिर्फ शाम को एक एक आध घंटे के लिए दिखाई देते हैं, और अगर दिन अच्छा है तो हम सुबह 10 बजे 11 बजे के आसपास डॉग को अच्छी तरह मसाज कर कर कोकोनट ऑयल के साथ, उसके बाद हम डॉग को नहला देते हैं उसके 2 घंटे बाद शैम्पू के साथ। हाँ राहुल, हेलो सर, मेरा पग का हेयर फॉल बहुत हो रहा है, अभी 4 मंथ है, क्या करूं ये अभी हेयर क्वाइट फॉल? नॉर्मल है, डॉग का बेबी कोट जो होता है ना, पहले बाल होते हैं वो दूसरे तीसरे चौथे महीने झड़कर फिर रियल बाल नीचे से दुआ कोट आता है, नॉर्मल कोट आता है, और 4 से लेकर 6 महीने के बिटवीन डॉग का दांत भी टूट कर दोबारा आते हैं, तो बिल्कुल पैनिक नहीं है। हाँ अगर आप ओमेगा 3 ओमेगा 6 या फैटी एसिड किसी भी कंपनी का दोगे तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और बहुत बढ़िया मिलेगा। डॉग को प्रॉपर हेयर फॉल ब्रश, हेयर फॉल के टाइम ब्रशिंग जरूर कीजिए, चाहे वो बड़ी बालों वाली ब्रीड हो या छोटे बालों वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, आदि रॉक्स, हेलो सर, बिग फैन, आई वॉच योर एवरी वीडियो। थैंक यू। अर्चित पटेल, जर्मन शेफर्ड है, डॉट वाले पप्पीज हैं 50 डेज के, आपसे ही लिया है, उनके हेयर बहुत रफ हैं, शाइनिंग नहीं है। बिल्कुल भी आप टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पहले कोट होता है ना, ये जो बेबी कोट हम कहते हैं ये रफ ही होता है, क्योंकि खासकर सर्दियों में डॉग को प्रॉपर क्लीन अप नहीं किया जा सकता, मदर उसको टेक केयर करती है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जो ड्राई बाथ देने से भी डरते हैं, हमारे फार्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन जो पहले कोट होता है इसमें बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, पहले दांत की भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये अराउंड 3 मंथ के आसपास ये सारे बाल झड़ जाएंगे
और नीचे से फिर बहुत बढ़िया शाइनिंग भरा कोट आएगा। लेकिन अगर आपको और बेटर चाहिए वो कोट, तब जब हेयर फॉल स्टार्ट होगा तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 देना चालू कीजिए। किसी भी अच्छी कंपनी का डोज हमेशा बॉडी वेट के हिसाब से दीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंकी मीना सर, मेरा पोमेरियन डॉग है 1 ईयर का, जब मैं उसे डराती हूँ तो वो मुझ पर ही गुर्राती है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੁੰਡੇ ਫੀਡਾ ਫੁੱਡਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਚ ਬੀਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਫੀਡ ਮਲਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀਟਾ ਯਾਰ ਸਪਰਮ ਬਣਨਾ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਣਾ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਦੀ 8, ਕਈਆਂ ਦੀ 10, ਕਈਆਂ ਦੀ 12, ਕਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15। ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 94 ਦਿਨ ਆਈ ਭਾਜੀ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਰੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਰੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸਰ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੈਸਟਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਸ਼ੋਅ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਓਕੇ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਪਿੰਕੀ ਮੀਨਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਪੋਮੇਰੀਅਨ ਡੌਗ ਹੈ 1 ਈਅਰ ਕਾ, ਜਬ ਮੈਂ ਉਸੇ ਡਰਾਤੀ ਹੂੰ ਤੋ ਵੋ ਮੁਝ ਪਰ ਹੀ ਗੁਰਰਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਮਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੀਗਲ ਡੌਗ ਦਿਆ ਥਾ, ਵੋ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੋ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋ ਅਭੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੱਚ ਮੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਨਕੇ ਉਹਨੇ ਬੀਗਲ ਲਿਆ ਥਾ, ਉਨਕੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਵਾਸ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋ ਜਬ ਉਲਟਾ ਉਨਕੋ ਡਾਂਟਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਦੇਖੋ, ਡੌਗ ਕਭੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਹਾਵੀ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਂ ਡੌਗ ਕੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਡਰਾ ਕਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਡਿਸਿਪਲਨ ਲਾਈਫ ਰਹੇ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਡੌਗ ਕੋ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਮੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਬਟ 1 ਸਾਲ ਕੇ ਡੌਗ ਕਾ ਆਪ ਆਪਕੇ ਆਪਕਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੋ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਵਾਕਫ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਕੋ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਵੋ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਪਸੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤੇਂ ਮਨਵਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਯੇ ਹਰ ਬ੍ਰੀਡ ਮੇ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਬ੍ਰੀਡ ਕੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ, ਬਟ ਹਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਾ ਔਰ ਡਿਸਿਪਲਨ ਲਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪ ਇਤਨਾ ਸਰ ਚੜਾਓਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਯੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਕਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਤੋ ਹਮ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਉਸਕੀ ਲਾਈਫ 12-15 ਸਾਲ ਹੋ। ਤੋ ਅਭੀ ਜਾਂ ਤੋ ਬੈਸਟ ਵੇ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਕੋ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ ਉਸੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਮਤ ਹੋਣੇ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਫਾਈਟ ਕਰੋ। ਫਾਈਟ ਮੇ ਕਿਆ, ਅਗਰ ਵੋ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਰ ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਕੋ ਇਨਕੋ ਕਭੀ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹਮਨੇ, ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਇੱਕ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਸੇ, ਫੇਸ ਕੇ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਸੇ, ਸ਼ਾਊਟ ਸੇ, ਲਾਊਡ ਨੋਇਸ ਸੇ, ਆਪਣਾ ਵੋਇਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟ ਕੋ ਡਰਾਇਆ ਤੋ ਅਗਲੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਮਨਾਨੇ ਮਤ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਡੌਗ ਕੋ ਡਰਾ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਗਲਤ ਕੀਆ ਹੈ, ਯੇ ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਘਰ ਕਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਸਕੋ ਮਨਾਨੇ ਚਲ ਜਾਤੇ, ਫਿਰ ਵੋ ਚਲਤਾ ਯਾਰ ਯੇ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਕਿੰਗ ਯਾ ਕੁਈਨ ਹੀ ਦਿਸ ਹਾਊਸ, ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਚੀਜ਼ ਮਤ ਹੈ। ਵੋ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਜੀਏ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸਕੇ ਬਾਤ ਕੀਜੀਏ, ਹੋ ਸਕੇ ਅਗਰ 1 ਦਿਨ ਕਾ ਖੀਚੋਗੇ ਤੋ ਔਰ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸਰ, ਫਰੈਂਚ ਮੈਸਟਿਫ ਕੈਸਾ ਗਾਰਡ ਡੌਗ ਹੈ, ਉਸ ਬ੍ਰੀਡ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਤਾਓ, ਰੋਟਵਾਈਲਰ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਸੇ ਕੈਸੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਗਾਰਡ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਫਰੈਂਚ ਮਾਸਟਿਫ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਬ੍ਰੀਡ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਰੋਟਵਾਈਲਰ ਸੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਉਨਸੇ ਹਾਈਟ ਮੇ ਔਰ ਬਾਡੀ ਵੇਟ ਮੇ ਬੜੇ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਇਨਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਨੀ ਹੈ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਿਲੋਂ ਸੇ, ਉਨਕੇ ਕੈਸਲ ਸੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਰਾਜੇ ਇਨਕੋ ਅੱਛੇ ਗਾਰਡ ਡੌਗ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਤੇ ਥੇ, ਅਭੀ ਯੂਰਪ ਮੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਗਾਰਡ ਡੌਗ ਮਾਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜਿਤਨਾ
पंच फेस रिंकस वाला बच्चा लोगे वो ज्यादा बेटर होता है। खान पान ऑब्वियसली लार्ज ब्रीडों ग्रेट डन हो गया या ये हो गया, इन ब्रीडों का लार्ज खान पान तो बड़ा थोड़ा बढ़िया रखना पड़ता है, अच्छी हैवी प्रोटीन वाली डाइट, टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग। छोटे घर में आप रखोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा आपके लिए, और प्रॉपर कैल्शियम देना पड़ता है क्योंकि बड़ी ब्रीडें हैं, अगर हम मार्बल टाइल्स पर रखते हैं तो इनको ज्वाइंट्स बेंड होने का प्रॉब्लम रहता है। कुलदीप, पप्पी होलसेल कहाँ करें? सर आपके नियर बाई कोई, जैसे हम अक्सर बता दें, यहाँ पर अभी डॉग शो की पूरी डिटेल चल रही है कि कौन सा डॉग शो कब होगा, किस तारीख को होगा, तो आप प्लीज जरूर रिक्वेस्ट है कि आपके नियर बाई जहाँ भी डॉग शो हो रहा है वहाँ डॉग शो के बाहर स्ट्रीट मार्केट कह लो, वहाँ मार्केट लगी हुई होती है, तो आप जरूर 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 वहाँ पर जाइए, एक बार जाकर विजिट ही करिए, देखिए आपको। हाँ बोलो, क्वेश्चन लो। निराती सर, वी कैन यूज कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन डेली, एंड इफ वी यूज न्यूट्री कोट डेली द कोट विल बी गुड। आज हो गया सारा कंप्लीट, कालू पा देंगे। निराती सॉरी सर, वी कैन यूज कैल्शियम एंड मल्टी विटामिन डेली, एंड इफ वी यूज न्यूट्री कोट डेली द कोट विल बी गुड। बिल्कुल, देखो मल्टी विटामिन कैल्शियम अपना काम करेंगे, न्यूट्री कोट अपना काम करेगा। उसके साथ साथ देखो, कभी भी दवाइयाँ या बीमारी से दूर रहने का, दवाइयाँ या बीमारी से दूर रहने का होता है प्रकॉशन, बेस्ट वे होता है प्रकॉशन। मैं नहीं कहूँगा कि आप वो चीज़ें यूज़ करो, हम अगर उस तरफ डॉग को लेकर ही ना जाएं, ऐसी चीज़ें मत दें जिसके स्किन की प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम हो जाए, वो चीज़ें ना दें देना, वो उन चीज़ें ना देना बंद करें जिससे डॉग की बॉडी में कैल्शियम विटामिन की कमी हो। आई मीन टू से डॉग फीड, डॉग को चाहे थोड़ी मात्रा में दो लेकिन कंटिन्यूस दो प्लीज। डेनियल ब्राउन, एल्फोर्ड कट डॉग्स। हाँ जी सॉरी सर, क्या नाम सर का? डेनियल ब्राउन, डेनियल ब्राउन, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं पूरा समझ पाया, अपोलोजाइज। तनिष कुमार सर, मेरे डॉग को जब बाहर लेके जाता वो जमीन से चीजें उठाता। कुछ डॉगों को आदत होती है जमीन से चीजें उठाकर फिर अपने वो मुंह मुंह में ले माउथ में लेने की, लेकिन अगर वो थोड़ा सा उसको डांटिए जब भी आप डॉग को वॉक पर ले गए, अगर कुछ भी आपको लगे कि आपका डॉग इनडिसिप्लिन में कुछ ऐसा चीज़ें कर रहा है या वो चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही, तो आप शुरू से ही डॉग को जब भी आप अपने स्टिक डॉग का डॉग हंटर आता है, स्टिक आती है, या वॉक में साथ ज़रूर लेकर जाओ ताकि आप प्रॉपर उसको डांट भी सको, वो डरे भी कहीं ये मेरे को मारे ना। वहाँ हम अपने डॉग को मारते तो नहीं है, उसमें नॉइज, जो डॉग हंटर होता है हमेशा उसमें एक नॉइस होता है, हमेशा एक आवाज़ ही आती है जैसे प्लास्टिक खड़ाने खड़काने की या पटाख की आपस में टकराने की, तो वो उससे नॉइस से बहुत डरते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसी कोई चीज़ें नहीं करते जिनसे उनको जिनको डर हो कि ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि अनहाइजेनिक चीज़ मुंह में लेना कुछ ऐसी चीज़ें, वो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम का विषय हो जाती है, डॉग अनहाइजेनिक चीज़ खाएगा तो बीमार हो सकता है। ध्रुव सिंह कुछ राज, मेरे फ्रेंड ऐसा करते हैं कि शुरू से ही डॉग को आदत डालते हैं, डॉग का टॉयज या बॉल कोई भी हो वो उसके मुंह में देकर फिर वॉक करवाई जाती है, अगर वो आप ट्रेनिंग दोगे तो वो ज़्यादा बेटर है, डॉग भौंकता भी नहीं हमारा नेसेसरी किसी के भी साथ, और ना ही डॉग हमारा नीचे से कोई चीज़ उठाएगा क्योंकि वो बॉल को ही पकड़े रखेगा ना, वो भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हमारे ट्राई करते हैं। ध्रुव सिंह राजपूत सर, मैं एक पप्पी लाया हूँ, लेब्रा अभी 1 month का हो गया सर। प्रॉब्लम ये है, अभी 2 दिन से कुछ नहीं खा रहा, पहले स्टार्टर ऑयल कैन खाता था, अभी दूध के अलावा कुछ नहीं खाता, बताएं सर क्या सर करूं। दूध ना दीजिए डॉग को, दूध तो और भी नुकसान करेगा। देखो स्टार्टर फीड देना इज बेस्ट थिंग, अगर डॉग नहीं ले रहा कुछ दिक्कत है तो आप उस केसेस में डॉग को आप कह लो कि लीवर टॉनिक की सपोर्ट ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, लेकिन अगर आप कहोगे कि आपने वो बात रही दूध देने की, सर दूध में फिर पेट गड़बड़ होने के चांसेस रह जाते हैं। अगर आपका डॉग की एक्टिविटी स्लो है तो नियर बाई कोई अच्छे पेटनेरियन डॉक्टर हैं या वेटनेरियन है, वहाँ जाकर आप अपने डॉग को आप ले जा सकते हो, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे
अगर आप लीवर टॉनिक ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर है, कभी कभी डॉग फीड चेंज करने से भी हमें फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर सुस्त है तो फिर डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा एक बार। रोहित सर, मेरी फीमेल लेब्रा है, उसकी मेटिंग करवा ली है, कुछ टिप्स बता दीजिए। सर कम से कम पहले 30 दिन कोई भी गर्म तासीर का खाना मत दीजिए उसको प्लीज़, जितना हो सके जैसे हम चावल रोटी ज़्यादातर देते हैं, अगर फीड देनी है तो ज़्यादा फैट प्रोटीन वाली नहीं देते, उबला हुआ अंडा नहीं देते, चिकन नहीं देते, दही दे सकते हो आप, लस्सी दे सकते हो, डिपेंड वेदर सूटेबल ये चीज़ें। और अगर उछल कूद कर रही है तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है इसमें, कोई भी डरने वाली, पहले 30 दिन के तक डॉग कुछ भी करे तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होती। तनिष कुमार सर, हाउ टू मेक फ्रेंच बुलडॉग मस्कुलर, ही इज 3 मंथ ओल्ड। फ्रेंच डॉग सर मस्कुल, देखो लार्ज ब्रीड डॉग है, सॉरी फ्रेंच मीडियम कैटेगरी का डॉग है ये, अभी थोड़ा समय लगेगा, पहले ये ग्रो अप टाइप जाएंगे, लेकिन ये गोल मटोल से अच्छे होते हैं डॉग, बट मैं फिर भी कहूँगा कि उसका बॉडी वेट आप मेंशन किया नहीं किया ना, तो अगर आप बॉडी वेट मेंशन करते तो ज़्यादा बेटर था। आप स्टार्टर फीड उसको देते रहिए, आपके जो भी डॉक्टर साहब हैं क्या वो कह रहे हैं कि अंडर वेट तो मेरे हिसाब से नहीं होते, क्योंकि ये ब्रीड खाना बहुत पसंद करती है, एक्टिव भी बहुत रहती है, पग की तरह अपनी कैलोरी बर्न भी बहुत करते हैं, लेकिन आप उसको डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से दिन में 4 टाइम खाना दीजिए। और बाकी रही बात मस्कुल की, वो स्टार्टिंग करेंगे आफ्टर 1 to 2 मंथ, अभी उसमें फैट डालने, फिर आप उसको जब वॉक करवाओगे या घर में वो ही वो अपना उछल कूद कर कर वॉक ऊपर नीचे सीढ़ियाँ अगर आपके घर में है तो और भी बेटर है। और डॉग के छोटी ब्रीडों के ऑटोमेटिकली मसल बनने, जैसे पग कोई मसल तो नहीं होते, लेकिन अगर आप पग को पकड़ोगे तो आपको कहीं से वो फैट भी नहीं पकड़ लगेगी इसमें फैट है, वो एक अच्छे फिट डॉग होते हैं, ओवर वेट होते हैं लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहूँगा कि उसको ओवर वेट कभी भी कहूँ। स्टार हाउस से MB सर, अमेरिकन बुली फीमेल 6 मंथ, लोगों पर अग्रेशन शो करता है, क्या नॉर्मल है? बुली कोई भी ब्रीड है वो हमेशा होता है कि अपने एक अपनी ठाट बनाई रखनी वो होता है, गार्ड डॉग हमेशा ऐसा ही करते हैं, लेकिन इसमें ये हम उसकी ड्यूटी को क्यों रोकें सर, राइट। हाँ वो आपकी कमांड में होनी चाहिए, आप ये कहो कि मैं यहाँ हूँ ना, मान लीजिए मैं जब अपने फार्म में जाता हूँ, अभी अगर मेरे फार्म के आगे कोई गाड़ी रुकेगी, कोई रुकेगा बंदा, या मेरा फार्म का डोर नक नक करेगा तो मेरे घर का डोर, तो डॉग मेरे सभी भाग कर आकर भौंकेंगे डराएंगे उनको, लेकिन अगर मैं हूँ वहाँ पर मैं कहूँगा मैं यहाँ हूँ आप चुप हो जाओ, तो वो रुक जाते हैं। ये रोज अगर आप ऐसा अपने डॉग के साथ करोगे तो उसको मालूम होगा कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, उसने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि देर इज अ समवन, लेकिन अगर वो रास्ते पर चल रहे हो तो भी आप रेशन तो आप उसको कंट्रोल कीजिए, नो स्टॉप। दो चीजें डॉग को सिखाना, जितनी जल्दी आप सिखाओगे उतना रेस्ट रेस्ट ऑफ लाइफ फायदा रहेगा, एक उसका नाम और एक नो नो या नहीं या कुछ ऐसे ही चीजें कहना जो भी आप सिंपल भाषा यूज करें, जिससे आपके डॉग को मालूम पड़े या चीज दिमाग में फिट हो जाए कि अगर उन्होंने ये नो कहा है या नहीं कहा है इसका मतलब कि मैं मेरे से कुछ गलती हो रही है, जब मैं गलती करने जा रहा हूँ तभी मुझे रोका, तो फिर डॉग आप वो हम ट्रस्ट तो करते ही हैं, तो हम उस ट्रस्ट ट्रस्ट का पॉजिटिव वे बहुत फायदा ले सकते हैं। डैनियल ब्राउन, हाउ टू क्लीन डॉग्स टीथ? उसके बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो ये चीज़ें हैं डेंटा स्टिक्स, ये आपको पेडिग्री ड्रूस में मिल जाएंगी, ये सबसे बेस्ट वे होता है, क्योंकि आजकल मैं बार बार कहता रहता हूँ समय की कमी है, क्योंकि मैं हर चीज़ें अपने ऊपर लगाता, मेरे पास समय की कमी है तो बाकी लोगों के पास भी होगा। ये स्टिक होती है एक रोज दे दीजिए, डॉग धीरे धीरे च्यूइंग करता रहेगा और उसके दांत साफ हो जाएंगे। उसके बाद होता है ये एक कंपनी का आता है, जैसे हमारा नहीं आता वो माउथ फ्रेशनर, ये चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हो, इससे डॉग के भी बैड ऑडर चला जाता है। थर्ड थिंग हियर इज़ ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ये बीफर कंपनी का प्रोडक्ट है, ये लिक्विड फॉर्म में है फ्रेंड, यहाँ पर साथ में टैप दिया हुआ है, ये 1 लीटर, थोड़ा सा मैं भूल गया, मैं पहले से 1 लीटर में 10 ml, 1 लीटर पानी में 10 ml डाला जाता है और इसकी वैलिडिटी 24 आवर्स रहती है। तो जैसे ही हमारा डॉग के हम पीने वाले से गर्मियों का समय आएगा, डॉग के बाउल में हर टाइम पानी हमें रखते ही रखते हैं, तो 1 लीटर में 10 ml डालना होता है और 24 घंटों में अगर वो डॉग अपना पानी ख़त्म करता है तो फिर भी ये पानी पीता जाएगा, उसके दांत भी स्ट्रांग रहेंगे, बदबू भी चली जाएगी और दांत भी साफ रहेंगे। उसके बाद डॉग की अगर आपके पास समय है
तो डॉग के टूथब्रश पेस्ट वो भी आप अवेलेबल है हमारी वेबसाइट में, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो। आपके लिए जो इजीएस्ट वे है वो आप चूज कर सकते हैं। आशीष गुप्ता सर, मेरे जर्मन शेफर्ड 6 मंथ का है, उसके डेंड्रफ एंड हेयर फॉल काफ़ी हो रहा है और पिंपल्स भी हैं, ऐसा सजेस्ट मी समथिंग व्हाट टू डू। एंड उसका वेट मैंने चेक किया है सर, 4 मंथ में 14 kg। वेट वेट वॉज रियली गुड माई फ्रेंड, बट अभी देखो नॉर्थ इंडिया में तो स्किन की प्रॉब्लम, जैसे आपके डॉग को स्किन की प्रॉब्लम है, नॉर्थ इंडिया में तो ऐसा अभी कोई केस नहीं सुनने में आया, क्योंकि यहाँ का मौसम वेदर कह लो काफ़ी हेल्थी है, और ये सब ज़्यादातर चीज़ें हमारे यहाँ फेस करनी पड़ती हैं हमारे डॉग को गर्मियों में। आपके वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है तो मेडिकेटेड शैम्पू मैं कहूँगा ट्राई जरूर कीजिए। ऑइनमेंट भी आता है डॉग की बॉडी पर लगाने के लिए। एक सिंपल तरीका अगर होम रेमेडी की बात में करूं, तो हम अगर मेरे मेरे पास ये मेरे फार्म में डॉग होता तो पहले मैं एक होम रेमेडी ट्राई करता कि मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल के साथ डॉग को अच्छी तरह मसाज करता, सुबह 10 बजे के आसपास अगर दिन काफ़ी अच्छा निकला हुआ है तो उसको 12 से 1 बजे 2-3 घंटे के बाद उसको मेडिकेटेड शैम्पू के साथ बाथ देता। मेडिकेटेड शैम्पू को भी जब बॉडी पर लगा कर फिर अच्छी तरह रब करना होता है, मलना होता है, और लगभग वो भी आप कह लो कि 10 से 15 मिनट तक फिर पानी यूज़ करता कि उसको बॉडी से निकालने के लिए शैम्पू को, तो इससे भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलती। बट वो जो नीचे पिंपल्स हैं उसके लिए तो ऑइनमेंट बहुत ज़रूरी है, वो आप किसी भी कंपनी का ट्राई कर सकते हो। यहाँ हमारे ऐप में एक वीडियो है डॉग स्किन प्रॉब्लम, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। विजुअल ट्रैक स्टूडियो है सर, लैब मेल 18 मंथ का है और मेरी फीमेल 12 मंथ की है, उनका सही वेट कितना होना चाहिए? लैब वेट देखो, जो लैब ब्रीड ऐसी होती है कि इसको मैं हमेशा फिट ही कहूँगा तो अच्छा है। मेल का बॉडी वेट अगर 30 के आसपास है तो इट्स लुकिंग गुड, 35 ये जा सकता है, वो मेरे हिसाब से अच्छा है। फीमेल का वेट अगर 30 से कम रहेगा तो मैं उसको एक हेल्थी डॉग मानूंगा। बाकी ऐसा नहीं है, मेरे एक फ्रेंड के पास 15 महीने का लेबरा है, उसका बॉडी वेट 60 किलो है, लेकिन वो मेरे वो उनके हिसाब से बहुत बढ़िया है, बहुत हेल्थी है, बहुत पसंद करते हैं उसको, लेकिन मुझे मालूम है कि उसका आने वाला समय अच्छा नहीं होगा अगर मैं उसको बार बार कह रहा हूँ कि इसका बॉडी वेट कम आप थोड़ा कंट्रोल में लेकर आओ, क्योंकि 60 किलो का लेब्रा आप मालूम ही पड़ेगा उसकी जॉइंट्स पेन स्टार्ट होने वाली बहुत जल्दी, भगवान ना करे कोई और भी दिक्कत आए उसको फेस ना करनी पड़े कहीं। विशाल, माई डॉग डू नॉट बार्क। हाँ ये भी कुछ हम पर डिपेंड होता है, क्योंकि एक तो आपके पास पहले ब्रीड कौन सी है, आपने विशाल सर वो नहीं बताया। अगर बहुत सारी ब्रीडें होती हैं जो लेस बार्किंग होती है, भौंकती है ही नहीं, एक ब्रीडें होती हैं अच्छे वॉच डॉग होते हैं या गार्ड डॉग होते हैं, वो अपना काम करते हैं, लेकिन अगर शुरू से ही हम उसको वो काम करने ही ना दें, मान लीजिए कुछ भौंका हमने उसको डांटा कि चुप करो ये क्या कर रहे हो आप, फिर उसके बाद उसने कुछ भौंका फिर हमने डांट दिया क्या कर रहे हो आप, ऐसी जब वो लगता है फिर 2-3-10 बार होता है तो हमारे पेट को लगता है यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो फिर वो अपना भौंकना या अपना नेचुरल काम करना बंद कर देता है। स्टार हाउस से MB सर, अमेरिकन बुली फीमेल 6 मंथ, हमारे साथ फ्रेंडली है पर खाना खाते हुए अग्रेशन शो करता ऑफ कोर्स, ऐसा हर डॉग करता है, शुरू से ही पहले महीने से ही आदत डालनी पड़ती है। अगर आप खान पान के जब डॉग खा रहा हो तब आप डॉग उसकी बाउल को या उसके बर्तन को टच करना हो तो शुरू से सिखाना पड़ता है। 6 महीने का डॉग गुस्सा करेगा सर, कभी भी नहीं मत का ट्राई करिए। मैं अपने डॉग का पेट का बाउल खाने का उठा लेता हूँ, लेकिन मैं ये शुरू से ही उसको 40-50 दिन से ही करना शुरू कर देता हूँ। खाना खाना सीधा सिंपल कहूँगा सर, जिस एज में अभी वो है आप, बस वही जो हमारा फंडा होता है ना इंसानों का कि खाने समय खाते समय किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए, तो आप मत कीजिए अभी। गोल्डन क्रिएशन सर, मेरा स्ट्रीट डॉग है, उसको मेरी मम्मी ने घर से निकाल दिया है, मैं उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहती हूँ, मेरी फ्रेंड है दूसरे स्टेट में, प्लीज मुझे एडवाइस दो कैसे करूँ उसे ट्रांसपोर्ट। हाँ बाई ट्रेन भी हो सकता है, बाई ट्रेन भी, बाई प्लेन भी, बाई बस भी, आपके वहाँ क्या सबसे बेस्ट वे है जो वो आपको चूज कीजिए। जैसे हम अपने पपीज ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं, हमारा बकायदा एक बंदा साथ में जाता है, टिकट बिल्टी पपी की बनती है, हमारे पर्सन की भी टिकट बनती है, वो रास्ते में आफ्टर 3 to 4 आवर्स अपने हमारे पपीज को देखता है। वैसे आपके भी नियर बाई कोई ना कोई फार्म वाला, कोई ना कोई पेट शॉप वाला ये सर्विस देता होगा, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है,
होप माई टीम भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर पाएगी इस वे में। इस पर आप अभी तो ये नंबर बंद होगा क्योंकि ये 10 to 5 PM तक ही ओपन रहता है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। मेनक मुखर्जी सर, मेरा 34 डेज ओल्ड लैब्रा डॉर दिन में 3-4 बार हिचकी करता है, नॉर्मल है या नहीं? ये नॉर्मल है, कोई डरने की बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। रोहित सर, बिल्कुल, मैंने मेरी लैब की मीटिंग करवाई है, कुछ टिप दीजिए प्लीज। ये सवाल का जवाब हो गया, मैंने किया है। सागर एम्पायर सर, मेरी डॉग की पिछली 2 लेग्स अच्छी तरह वर्क नहीं कर रही। सागर सर, उसके लिए फिर आपके नियर बाई कोई अच्छा वेटनेरियन या पेटनेरियन पर्सन है, आपको उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखो, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ ये चीज़ का, तो मैं प्रॉपर जो डॉक्टर साहब चेक करेंगे वही प्रॉपर बता पाएंगे। कैल्शियम की कमी हो सकती है, भगवान ना करे जॉइंट्स पेन या कोई इससे बड़ी ही डिस्प्लिया लाल टाइप, ऐसा ना कुछ हो। लेकिन ये बिना फिजिकली उसको पकड़े, बिना चेक किए ये चीज़ें नहीं आपको कोई बता सकता। हो सकता है एक्सरा भी वगैरह करवाने पड़े, तो आपको नियर बाई अच्छे पेटनेरियन या वेटनेरियन डॉक्टर से मिलना होगा। के वी कुशल सर, मेरे पास एक पिटबुल फीमेल है, आपको शायद याद हो, मैंने आपसे एक लाइव में पूछा था कि मेरे पप्पी का 4 kg वेट है, 3 मंथ की है, आज वो 17 वीक की है और 7 kg वेट है, तो कुछ बताओ सर। सर देखो, मेरे लगभग 4 वीडियो हैं कि आप अपने डॉग के अंडर वेट को कैसे रिकवर कर सकते हो। आपको मैंने प्रूफ भी दिया था, एक मेरे फ्रेंड का डॉग था, वो आया था, उसका था कि आई जस्ट फॉरगेट, हाँ डोगो, डोगो अर्जेंटिनो, डोगो को भी मैंने दिखाया था कैसे मेरे पास वो 28 दिन में ही लगभग 12-13 किलो से 28 किलो तक पहुंच गया था, आई थिंक विद इन 2 मंथ या कुछ 45 दिन, ऐसी कुछ बात थी। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, डॉग को मोटा या हैवी या हेल्थी एक प्रॉपर एक्यूरेटली वेट कर रखने का क्या सिंपल सा फंडा होता है सर। पेट के कीड़ों की दवाई आपको समय समय पर देनी पड़ती है, सबसे जरूरी है। उसके बाद से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है डॉग के जो आप उसको खाना दे रहे हो वो डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से दो। ये मत हो कि आपका डॉग 70 दिन का है और आप उसको 1 कप फीड दे रहे हो, हालांकि उसको 4 कप फीड चाहिए या 5 कप चाहिए। डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से डॉग को खाना दो, साथ में मल्टी विटामिन कैल्शियम जरूर दीजिए, तभी डॉग को प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा। कितना टाइम लगे, थोड़ी लेट वेट कर लो, 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार हाउस पे मैं है लाइव भी शो होते हैं इस करके वेट कर लो प्लीज थोड़े। सर, अमेरिकन कल होंगे बुली भाई, थी। कल मैं एक्चुअली प्रवीण ने बुलाया सी, कोई गल करनी चाहिए। कल नहीं ले आऊंगा ना, बहुत बढ़िया, जरूरी है। ओके थैंक यू। स्टार हाउस AMB सर, अमेरिकन बुली फीमेल 6 मंथ को मैं सिर्फ गली में ही वॉक करवाता हूँ, गली से बाहर स्ट्रीट डॉग पीछे पड़ जाते हैं, घर में भी खुला रखता है, ओके है? हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखो, आज हमारा डॉग छोटा है, वो बड़े बड़ा होगा और हमें वो आपसे थोड़ी लंबी वॉक की भी जरूर एक्सपेक्टेशन करेगा और करनी भी चाहिए। हम देखो, जब भी आप वॉक पर लेकर जाओ साथ में एक छोटी सी स्टिक जरूर पकड़ो, ये आपको आपके जो पेट है उसको भी डिसिप्लिन में चलने की, कुछ गलत ना करने के लिए ठीक है। और दूसरे डॉग जो है स्ट्रीट डॉग है उसको भी आपके पास नहीं आएंगे, आपके डॉग को कुछ हर्ट, आपको या आपके डॉग को हर्ट नहीं करेंगे। तो आम और आम कुठलियों के दाम वाली बात है माय फ्रेंड, स्टिक या डॉग हंटर जरूर यूज कीजिए जब भी आप उसको सुबह शाम वॉक पर लेकर जाते हैं, ये बहुत ओम जरूरी है। प्रकाश सर, जर्मन शेफर्ड फीमेल अग्रेसिव है। सर देखो, जर्मन शेफर्ड फीमेल अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, मेल या फीमेल, लेकिन अग्रेसिव होए उसका क्या कारण है? अगर बे फजूल डॉग अग्रेसिव हो रहा है, उसके या तो डिवॉर्मिंग नहीं आप कर पा रहे, या उसको कोई परेशानी है, जो कोई भगवान ना करे कोई अनकंफर्टेबल हो कहीं, तो ये चीज़ आपने या तो पूरी बता देते कि किस एज में क्या बॉडी वेट है या क्या है, तो तभी आपकी हेल्प कर पाता। बहुत सारे डॉग हीटिंग के टाइम का, फीमेल है तो हीटिंग के टाइम भी वो कभी कभी गुस्सा अग्रेशन दिखाते हैं, कभी कभी डॉग जब
एक फीमेल मदर होती है, बच्चे देती है, उसके बाद भी वो थोड़ी गुस्से वाली हो जाती है, ऐसे कुछ केसेस में। अदरवाइज फीमेल मच बेटर देन मेल, वो काफी अंडरस्टैंडेबल होते हैं। एसएम पाटिल भाई, मेरे लैब के कानों में दो तीन टिक्स थी, तो क्या किया जाए? सर बेस्ट वे है डॉग के रीढ़ की हड्डी पर डालने वाला स्पॉट ऑन, आपने मेरा वीडियो देखा ही होगा, वो बहुत बढ़िया चीज़ है और उसका रिजल्ट काफ़ी लंबे समय तक रखता है। उसके बाद आप स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आँख मुंह नाक कान से बचाकर। तीसरा सबसे ज़रूरी होता है एंटीटिक शैम्पू भी आप ट्राई कर सकते हो। एंटीटिक्स कॉलर भी आता है, गले में डालने वाला पटा, वो भी एंटीटिक्स आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं माई फ्रेंड आप यूज़ कर सकते हो। वदज्योत सिंह, हेलो सर, आई वांट टू बाय बीगल, कैन आई? केम टू नो दैट इट लिव्स हियर, सो शुड आई बाय एज फैमिली पेट डॉग? बिल्कुल सर, ये पेट जो बीगल है आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, और छोटे घर, बड़े घरों में, मीडियम घर में, हर घर में रह लेता है, अच्छे वॉच डॉग है। क्योंकि पहले हम जब हम सोचते थे हमें एक छोटे घर में छोटा डॉग, वॉच डॉग लेना है तो कौन सा चाहिए, तो सबका मुंह में से निकलता था पमरेनियम, या कुछ मेरे फ्रेंड उसको पमेरियन कहते थे, कुछ मेरे फ्रेंड उसको स्पिट्स कहते थे, या कुछ कहते थे वो यार सफ़ेद वाला, वाइट वाला डॉग, बालों वाला। लेकिन उसमें क्या होता था कि बाल हम उनके संभालने, टेक केयर नहीं कर पाते थे, या फिर हमें कंटिन्यूस ग्रूमर के पास जाना पड़ता था। लेकिन अभी ये बीगल ने आकर उस बहुत हद तक पमरेनियम को उस जगह पर रोका है। जैसे कि अगर आप कहो कि पमरेनियम क्यों कम हो गया, क्योंकि बीगल काफ़ी उस पोजीशन में आया। जैसे सेम लाइक के डावरमैन पिंचर की लोकप्रियता क्यों कम हुई, क्योंकि रॉटवाइलर या ऐसी और ब्रीडें उसको उसके कंपटीशन में आई। तो बीगल एक बहुत अच्छे वॉच डॉग होते हैं, अच्छे फैमिली डॉग होते हैं, और आजकल काफी ट्रेंड में है। लेकिन जब भी आप लो प्रॉपर सही मार्किंग देख कर लो। मनियांक मुखर्जी सर, 34 डेज फीमेल लेबराडोर को दिन में 4 बार 60 ग्राम कर के रॉयल कैनन देता ग्राम्स के हूँ। चक्कर में मत पड़िए, डॉग की डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से ही दीजिए, यानी क्वेश्चन। क्योंकि मैं कभी भी एक अंदाजा होता है कि इतना वो फीड खा लेगा, लेकिन हो सकता है उससे ज्यादा भी खाता हो। मैं बस जब भी मेरा पेट होता है 60-70 दिन का हो या 30 दिन का है, मैं एक तो उसके पेट से अंदाजा लगाता हूँ कि वो अभी फुल हो गया, दूसरा मैं हमेशा चेक करता हूँ कि उसका डाइजेस्टिबिलिटी कितना है, वो मैं खाने बाउल से भी चेक करता हूँ। मेरा डॉग अगर खाना इतना बाउल में छोड़ता भी है तो मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये ना है कि मेरा पेट बर्तन को एक अच्छी तरह चमका कर, जैसे लगे कि आपको इसको साफ करने की, धोने की जरूरत ही नहीं है, अच्छी तरह साफ कर दिया, और फिर भी वो आपकी तरफ देखे, आपसे लगे कि वो और फीड की, और चीज़ों की डिमांड कर रहा है, तो मैं वो नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा इतना छोड़ भी दे तो कोई पैनिक नहीं है, लेकिन हाँ उसका पेट फुल मुझे दिखाई दे और उसके बाद वो बड़े आराम से सोए, क्योंकि जितना डॉग खाकर सोएगा वो उतना ग्रोथ करेगा, वो चाहे 30 दिन का हो, वो चाहे 60 दिन का हो, वो चाहे 1 साल का हो। अजी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अधीरियन इज अ 7 month रॉटवाइलर सेफ फॉर अ न्यू ओनर? देखो माय फ्रेंड, रॉटवाइलर जो है वो अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, जर्मन शेफर्ड अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, पिटबुल, अमेरिकन बुली एंड डावरमैन पिंचर, बुल मास्टिफ, बहुत सारी अच्छी ब्रीडें हैं, ग्रेट डन से अच्छे गार्ड डॉग होते हैं। लेकिन 7 month का अगर आप गार्ड डॉग ले रहे हो तो बिल्कुल उसको डबल के आप 10 बार उसके ऑनर से पूछिए कि वो बिहेवियर वाइज कैसा है। क्योंकि जिस घर में वो पला है, जिसने उसको शुरू से 30 दिन से या 40 दिन से या 50 दिन से पाला है या 90 दिन से पालना शुरू किया है, जितना वो ईमानदार उसके प्रति होगा उतना वो और जगह नहीं होगा, वो गुस्सा भी कर सकता है, अनकंफर्टेबल, आप उसको पहले पढ़ ही नहीं पाओगे उसकी आदतों को। क्योंकि एक होता है आपके घर में आपके हाथ के नीचे एक बच्चा पलता है, एक होता है 7 month। तो मेरे एडवाइस यही है कि 2 नहीं 10 बार सोचिए उसके जो पहले वाला उसका ऑनर है, उससे बार उसे पूछिए जी कब खाता है, कैसे खाता है, कब वॉक पर लेकर जाना, कब ऐसे। क्योंकि गार्ड डॉग जो होते हैं वो अपने ऑनर के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं, और आपके घर में वो बहुत कंफर्टेबल भी हो सकता है और हो सकता है अनकंफर्टेबल भी हो, बट देर इज 50-50। रित्विक मंडल, कुछ हफ्ते पहले मेरे पमेरियन के 2 बेबीज हुए थे, अब उसकी एज 26 है, उसमें से एक चलना सीख गया है, बट दूसरा जो बेबी है वो चल नहीं पा रहा है, उसके पीछे वाले पैर वीक हैं, क्या करें?
सर एक तो जहाँ ये जैसे मोस्टली तो ये डॉक्टर साहब को चेक करवा कर नियर बाई ये होगा, क्योंकि पमरेनियम ब्रीड जो होती है वो 20 22 25 दिन के आसपास बिल्कुल चलना भागना शुरू कर देते हैं। वो अलग बात है कि कब कुछ मेरे कभी कभी जाने जाने हमसे गलती हो जाती है, हम डॉग को स्लिपरी फ्लोर पर रखते हैं, वहाँ से डॉग को पकड़ करने में थोड़ी दिक्कत होती है, वुडन का फ्लोर हो गया स्लिपरी, कोई और स्लिपरी फ्लोर हो गया, मार्बल टाइल्स वगैरह चिप्स। लेकिन फिर भी 37 दिन में तो नहीं, मुझे कुछ कम लग रहा है, कमी लग रही है, कैल्शियम की कमी हो सकती है या कोई और कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको नियर बाई एक डॉक्टर साहब से चेक करवाइए, या फिर थोड़ा थोड़ा उसको कैल्शियम देना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके नियर बाई कोई डॉक्टर साहब नहीं है अच्छे, तो कैल्शियम स्टार्ट कर सकते हो, उसको थोड़ा स्टार्टर फीड देना चालू कीजिए। 37 दिन एज लिखा ना इन्होंने, तो 37 दिन में ट्वेंटी स्टार्टर फीड सिक्स बड़े आराम, 26 हाँ 26 तो फिर वो भागना चाहिए सर। तो आप बड़े आराम से आप उसको छोटे छोटे स्टार्टर फीड चालू कर सकते हो, मेरे हिसाब से वहीं से रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो नीचे उसका फ्लोर है ना, सरफेस है, वो एक कह लो कि रफ हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके तो अनफॉर्चुनेटली केस में दो बच्चे दिए, लेकिन पोमरेनियम चार भी देते हैं, पांच भी, या कोई भी ब्रीड जर्मन शेफर्ड लेब्रा कोई भी पांच या आठ या दो बच्चे दें, तो ज़रूरी नहीं कि दोनों एक जैसे ही एक्टिव हो। इसमें से कभी कभी कुछ वीक भी होते हैं, कुछ लेट पिक करते हैं चीज़ें, लेट चलना चालू करते हैं, और कुछ टाइम टू टाइम कर लेते हैं, और कुछ बहुत हैवी भी होते हैं। स्टार हाउस AMB सर, अमेरिकन बोली फीमेल रिलेटिव से लिया था, 6 मंथ का है, क्या ये पता करने का कोई वे है कि वो कौन सा अमेरिकन बोली है, स्टैंडर्ड क्लासिक एक्सल? बिल्कुल 6 मंथ का है सर, वो तो आपको साइज से मालूम पड़ जाएगा, आप किसी को भी फोटो उसकी दिखा सकते हो, क्योंकि 30 दिन या 40 दिन के पप्पी को नॉन प्रोफेशनल बंदे नहीं जज कर पाते कि ये कौन सा साइज है, लेकिन 6 मंथ का डॉग तो आपको दिख जाएगा ये कैसा है। अगर भगवान ना करे वो मिक्स ब्रीड है या पिटबुल के साथ मिक्स है, जो कुछ ऐसा है, तो वो ऐसा आपको दिख जाएगा सब चीजें। 6 मंथ तक तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है सर। अमन कुमार, व्हाट टू फीड इंस्टेड ऑफ डॉग फूड टू पपीज टू ग्रो देम प्रॉपरली? इट्स वेरी हार्ड सर, विदाउट डॉग फीड वो हमें आपको और नहीं कुछ बता सकता, क्योंकि उसमें फिर मैं क्या बताऊंगा, चावल कह लो, राइस कह लो, या रोट चपाती, फिर पनीर, फिर उबला हुआ अंडा, फिर बॉयल चिकन, ये चीजें आप बहुत मुश्किल रहेगा। जो एक डॉग का न्यूट्रिशन है प्रॉपर एक्यूरेटली, वो डॉग फीड के अंदर ही है, उसमें सब चीजें प्रॉपर होती हैं। बाहर आप कोई भी चीज ट्राई करो, डॉग ठीक है, डॉग खाएगा, ग्रोथ भी करेगा, लेकिन उसमें कमियां पड़नी चालू हो जाएंगी, जो शायद कुछ चीजें हमें अभी दिख जाएंगी। अगर आपका अंडरवेट डॉग हुआ या कोई और चीजें हुई, भगवान ना करे लेग वेग ना बेंडिंग कहीं चालू हो जाए, और कुछ चीजें हमें फ्यूचर में दिखेंगी कि इसमें ये कमी है, तो कम से कम 90 दिन तक तो डॉग फीड आप दो ही दो डॉग को, उसके बाद चाहे जो मर्जी, अगर आपका कोई फैमिली इशू या कोई और रीजन है तो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। प्रकाश भाई, डेवलपमेंट के ईयर क्रॉपिंग करना लीगल है क्या? देखो, क्रॉपिंग कुछ किसी भी तरह की कोई भी लीगल नहीं है, चाहे वो डॉग टेल हो चाहे वो कान क्रॉप हो। अमनदीप सिंह सर, आई वांट टू बाय डॉग फ्रॉम यू बट यू डोंट हैव कंगल, प्लीज मेक कंगल अवेलेबल। ठीक है, ओके। हमने 2 बारी ट्राई किया, लेकिन वो हमारा पंजाब तक नहीं पहुंचा, वो बाहर ही सेल हो गया, अनदर पार्ट ऑफ इंडिया, तो वी विल डू बेस्ट दिस टाइम। मोहित सर, मेरी जर्मन शेफर्ड पिछले 3 4 दिन से मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक के बाद पानी पी के वॉमिट कर रही है, क्या करूं? मैं 1 ईयर की है और बॉडी वेट 32 kg। सर एक तो जब भी डॉग वॉक से सीधा आए तो उसको पानी मत डायरेक्ट सीधा ही पिलाने दीजिए, थोड़ा रुक कर उसका दम लेने दीजिए, रिलैक्स होने, फिर पानी दीजिए, फिर ऐसा ऐसा ट्राई करके देखिए। दूसरा सर बिग है कि आप डॉग को, दूसरा आप ये ट्राई कर सकते हो कि उसको डाइजेस्टिबिलिटी की दवाई देकर देखिए सुबह शाम, वो नॉर्मल जैसे हिमालय का डाइजिटोन प्लस आता है, इंटास का जाइमोपेट आता है, एक्टेक का डेजिस पास, या और भी कोई डाइजेस्टिबिलिटी की दवाई। लेकिन पहले तो यही देखिए कि जब भी डॉग वॉक से आए, क्योंकि वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, मौसम अभी थोड़ा सा ठंडी कम है, डॉग पानी भी ज़्यादा पीते हैं, लेकिन ऐसा हो कि कभी कभी वॉक आकर सीधे लोग पानी पीते हैं, तो वो फिर डॉग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लालू जोशी सर, मेरा पेट
पग डॉग 1.5 मंथ ओल्ड है, उसमें से बैड ऑर्डर आ रहा है, क्या करूं? सर देखो, बैड ऑर्डर आने के तीन बॉडी के पार्ट होते हैं डॉग का। एक होता है कान, कानों के अंदर से जब भी आप उसके कान उठाओगे तो आपको दिख जाएगा वहां से थोड़ी, वो कान साफ भी नहीं होंगे और स्मेल आएगी। दूसरा होता है माउथ, जब भी आप डॉग आपके पास प्यार करने आएगा बैठे हुए हो, तब आपको पकड़ोगे तो आपके वो जैसे हाँपेगा या आपके आपको चाटने आएगा, प्यार करने आएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि माउथ से आ रहा है। और तीसरा होता है बॉडी पार्ट, बॉडी पूरी बॉडी लगा लो। इन तीनों के अलग अलग है। कान साफ करने के लिए अलग दवाई होती है, दांतों के लिए तो आपको मैंने बताई है कि जो अभी शो में ही बताया था, वो लिक्विड भी ट्राई कर सकते हो आप, स्टिक्स भी ट्राई कर सकते हो आप, माउथ फ्रेशनर्स भी, टूथपेस्ट भी आता है, वो चीज़ें भी हैं। कानों के लिए अलग है, बॉडी के लिए शैम्पू आते हैं या ड्यूज, डॉग के परफ्यूम वगैरह ड्यूज वगैरह भी आते हैं वो बॉडी के। लेकिन पहले इन 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 चीज़ों को, जैसे ये ड्यूज है अलग अलग फ्लेवर, तो डॉग का किस पार्ट से वो दिक्कत आ रही है वो हमें देखना है, और फिर ही हम सही चीज़ उसको दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। सर मेरे पास APBT है, उसका हेड कैसे बढ़ाएं और डाइट चेक बताओ। देखो सर, आपने एज नहीं बताई, मैं ये बिग प्रॉब्लम है, एज नहीं बताई और बॉडी वेट भी नहीं बताया, तभी आपको मैं बता पाता कि और क्या चीज़ हमें, या हम यहाँ खड़े हैं क्या सही है, या इससे और हमें कितना हार्डवर्क करना है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर हम होलियों तक अपना डॉग को ग्रोथ नहीं कर पाए तो गर्मियों में बहुत टेडी केयर हो जाता है डॉग को मोटा तगड़ा करना। अगर हेड की बात करो, हेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तो सबसे कहूंगा कि बॉडी वेट के हिसाब से कैल्शियम दो, साथ में डॉग को च्यूइंग करने के लिए कोई चीज जरूर दो। कैल्शियम का रिजल्ट तभी मिलेगा अगर डॉग च्यूइंग करेगा, ये ना हो कैल्शियम खिलाकर सुला दो उसको, तो वो फिर हेड के ऊपर काम नहीं करेगा सर, च्यूइंग। बाकी जिस टाइम टू टाइम पेट के कीड़ों की दवाई, और हैवी अगर आपका डॉग अंडर वेट है तो हैवी डाइट दो, जिसमें ज़्यादा वो डॉग फीड चूज करो जिसमें ज़्यादा फैट और प्रोटीन हो, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि होलियाँ ऑलमोस्ट ऑन द कॉर्नर माई फ्रेंड, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। अनीता सिंह, प्राइस ऑफ लेब्राडोर डबल कोट। लेब्रा में डबल कोट नहीं होता, कोट जो कहा जाता है वो बालों को या बालों की लंबाई को कहा जाता है। डबल बोन, कुछ मेरे वो फ्रेंड वर्ड यूज करते हैं, डबल बोन या हैवी बोन। लेब्रा वैसे 10-12 से शुरू हो जाता है, लेकिन अगर मोटा तगड़ा डबल बोन या डबल हैवी बच्चा चाहिए वो 15-18 से चालू होगा। और कोई क्वेश्चन है फ्रेंड? आर्यन बिष्ट, मैं इंग्लिश मैस्टिफ वाला जो आपको कॉल में बात करा वो आर्यन। हाँ जी, हेलो आर्यन, कैसे हो आप? आपका डॉग बहुत अच्छा जा रहा है, आप परसों ही बात हुई थी आपके साथ, तो 62 या उससे प्लस ही आपने बताया इंग्लिश मास्टर, वेरी वेरी गुड, और कीप इट अप। जैसे हमारी बात अक्सर होती रहती है कि क्या क्या चीज़ें देनी है, कंटिन्यूस देते रहिए, और यहाँ मेरे फ्रेंड स्टडी पर जरूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट मंथ आपके शायद एग्ज़ाम, या बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ आई भी, हमारी टीम भी आपकी प्रेयर करेगी, आपकी आपकी साइड की माई फ्रेंड, आपका अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन मेहनत फिर आपको करनी है उसके लिए, तभी मम्मी पापा खुश होंगे। श्वेता, हेलो सर, मैं आशु फ्रॉम छत्तीसगढ़, आपसे बात करना है। सर आप कर सकते हो, जैसे IVR टीम के साथ मैं सुबह होता ही होता हूँ, वहाँ से भी बात हो सकती है, तो रिक्वेस्ट टू कॉल भी आपके पास एक ऑप्शन है। बाकी आप वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हो हमारी ऐप में, वो तो मैं यहीं पर मेरी टीम के साथ ही मैं रिप्लाई करता हूँ, लगभग यहीं छोटे से हमारे ऑफिस में शॉप में। नेक्स्ट, शुभम सैनी, पेडिग्री हाई प्रोटीन एडल्ट फूड कैसा है सर लैब्राडोर के लिए? बिल्कुल आप दे सकते हो। देखो डॉग की एंड ऑफ द डे डाइजेस्टिबिलिटी देखनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन द मोस्ट थिंग हेयर कि डॉग के लिए आप जो कह रहे हो कि वो उसका बॉडी वेट कितना है, क्या हम ज़्यादा हैवी डाइट उसको देकर कहीं और मोटा तो नहीं कर रहे, ये भी चीज़ देखना बेहद ज़रूरी है। नवीन, मेरा लैब्राडोर 5 मंथ का है, बट वो हैवी बोन है, तो उसको हैवी बोन ये है कैसे हमारे यहाँ करें, पंजाब में क्या कोई चलता स्पेशल डाइट देनी बुलेट के पड़ेगी? पटाके, सॉरी क्या क्वेश्चन था? नवीन, मेरा लैब्राडोर 5 मंथ का है बट वो हैवी बोन नहीं है, तो उसको हैवी बोन कैसे करें, क्या कोई स्पेशल डाइट देनी हाँ पड़ेगी? बिल्कुल, ज्यादा फैट और प्रोटीन वाली फीड उसको देनी होगी माय फ्रेंड, डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से, साथ में मल्टीविटामिन कैल्शियम भी दीजिए। हाँ अगर आपको लगे कि 20 डेज आपने वो चीज की है और आपको रिजल्ट उतना बेटर नहीं मिला,
भगवान ना करे ऐसा हो कि मिला ही नहीं, लेकिन मिलेगा लेकिन उतना नहीं सेटिस्फाई मिला, तो आप बॉडी गेनर ट्राई कर सकते हैं। हमारी कंपनी का पप्पी पावर आता है, बॉडी गेनर आता है, और भी कंपनियों के आते हैं, आप किसी का भी वो ट्राई चीज ट्राई कर सकते हो। क्योंकि गर्मियों में ये चीज़ें ट्राई करने से फिर हर डॉग डाइजेस्ट नहीं कर पाता, लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम, अभी आप ट्राई कर सकते हो। आर्यन बेस्ट 40 रुपीज सुपर चैट, मैंने डॉग फूड ले लिया स्मार्ट हार्ट पावर पैक। आर्यन सर हाँ, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया जा रहा है आजकल स्मार्ट हार्ट पावर पैक का। बट मैं फिर भी कहूँगा कि जो भी कंपनी के आप डॉग फीड लो, मानी आज डॉग का बॉडी वेट चेक किया, वो चीज़ आप 2 टाइम 3 टाइम उस कंपनी की फीड देना चालू कीजिए, जो भी ऐसे डॉग आपका खा रहा है और जितनी क्वांटिटी में वो डाइजेस्टिबिलिटी उसकी है जो ठीक खा सकता है, वो ओवर फीडिंग भी ज़्यादा नहीं करवानी। बट फिर आफ्टर 20 या 30 डेज के बाद आप बॉडी वेट ज़रूर चेक करो, या हो सके 10 दिन के बाद करो, अब किस किस तरह की ब्रीड आपके पास है, तो तभी आपको मालूम पड़ेगा कि दिस फील्ड की मेरे काम डॉग के ऊपर काम किया है इस डॉग फील्ड ने या नहीं। क्योंकि ये चेक करना ये नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ मेरे खुद फार्म में मैं 3 कंपनियों की अलग अलग डॉग फीड ट्राई करता हूँ, यूज कर रहा हूँ, उस पर वो सूट करती है, उस पर वो, उस पर वो। हाँ जी, दैट्स ऑल फॉर टुनाइट माई फ्रेंड, हैव अ ग्रेट 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 टाइम आपके साथ। आप थैंक यू एंड वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस माय फ्रेंड। बाकी मिलते हैं दोबारा आपको नेक्स्ट थर्सडे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हाँ ठंडी थोड़ी कम है लेकिन धूप में बैठने का अलग ही मज़ा है। अपनी फैमिली का टाइम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को टाइम दीजिए माय फ्रेंड। और जितना आप अपना दायरा छोटा रखोगे ना, उतना आपके लव वंस हैं फैमिली है वो आपसे बहुत खुश होगी, बहुत सेटिस्फाई होगी। बाकी रही बात माई फ्रेंड एग्ज़ाम की, या बच्चों के लिए काफ़ी टफ टाइम, मेरे सरदार जी भी हैं, वो भी काफ़ी अभी पढ़ाई चल रही है उसकी, लेकिन ये एक होता है, ये हम सभी का टेस्ट होता है, पेरेंट्स का, बच्चों का, सबका। बट कोई बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट। बाकी जो भगवान करता है, हम उसके बच्चे हैं, वो सब ठीक करता है, वो उसको सब मालूम है कि मेरे बच्चे को कहाँ रखना है, किस चीज़ में, कितनी उम्र में क्या चीज़ देनी है, वो बस हमें थोड़ा सा सेटिस्फाई रहना चाहिए, फेथ रखना चाहिए उसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन ज्वाइनिंग, एंड हमेशा लेडीज़ की, गर्ल्स की, वुमेंस की रिस्पेक्ट कीजिए, हेल्प कीजिए जितनी हो सके उनकी। और प्लीज़ माई फ्रेंड, ये कोरोना वायरस से वी प्रेयर ऑल द टाइम कि इंडिया में ज़्यादा ना फैले, बट फिर भी आप प्रिकॉशन इज द बेस्ट बेस्ट थिंग, प्लीज़ उस चीज़ों को, उस जगह को अवॉइड करो जहाँ भी हमारी गवर्नमेंट हमें जाने से रोक रही है। टेक केयर माई फ्रेंड, हैव अ वेरी वेरी ग्रेट इवनिंग, हैव अ वेरी वंडरफुल फ्यूचर हैड माई फ्रेंड, बाय, लव यू, टेक केयर।